हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू ऑल नवीन दया यूट्यूब चैनल. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए दो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हैं. एक तो आपका यूजी कोर्सेज के लिए, जितने भी यूजी कोर्सेज हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, उनके प्रैक्टिकल के लिए आपकी डेट आई हुई है. दूसरा, आपका एक डाउट है कि अभी जो आपके एग्जाम होंगे, जो थ्योरेटिकल आपके एग्जाम होते हैं, वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहने वाला है, उनका पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? ये हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो यही होगी. तो यहाँ मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपसे कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है, ये आपका प्रैक्टिकल का, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूजी कोर्सेज जून 2022. अभी जो आपका सेशन है और इसमें आपके जो प्रैक्टिकल हैं, यहाँ पर रेगुलर और रीअपेयर दोनों की बात की गई है. यहाँ पर आपके जो यूजी में जो कोर्सेज है, यहाँ पर बात की गई है ओनली यूजी कोर्सेज के लिए. पीजी के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, ना ही यहाँ पर बीएड की कोई बात की गई है. यहाँ पर ओनली यूजी कोर्सेज की बात की गई है, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, बीएससी बायोटेक और काफ़ी सारे हैं जो बीसीए हैं, बीपीएड हैं, इनके जो आपके सेमेस्टर हैं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर रेगुलर एंड रीअपियर एंड फिफ्थ सेमेस्टर ओनली रीअपियर. ये जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, ये आपके प्रैक्टिकल होने हैं 15 जून से लेकर 30 जून तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे. कोई फिक्स डेट आपकी नहीं है, फिक्स डेट आपको आपके कॉलेज वाले इन्फॉर्म आपको कर देंगे कि इस दिन आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है. नेक्स्ट है जो फोर ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड है, बीटीटीएम है, बीटेक है, इसके लिए आपका जो प्रैक्टिकल है सेकेंड, फोर, सिक्स एंड एट रेगुलर एंड रीअपियर, एंड जो सेवन सेमेस्टर है आपका ओनली फॉर रीअपियर. ये भी आपकी डेट सेम रहेगी, जो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे, ठीक है. उसके बाद आपका एलएलबी है, ठीक है, एलएलबी है, बीए एलएलबी है. तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आपके प्रैक्टिकल होंगे, सेमेस्टर बताया गया है और किन स्टूडेंट्स के रीअपियर वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके भी यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल साथ में होंगे. एग्जाम डेट आपकी बताई गई है 15 जून से लेकर 30 जून तक आपके प्रैक्टिकल होंगे. इन प्रैक्टिकल के बीच में आपके एग्जाम नहीं होंगे, तो जुलाई में आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, जल्द ही आपकी डेट शीट आ जाएगी. अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट नोटिफिकेशन की. ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें बताया गया है कि आपके जो एग्जाम आपका होगा, जो एमडीयू से स्टूडेंट्स अपना कोर्स कर रहे हैं, पिछली बार क्या था कि जो अदर स्टेट के जो बच्चे थे उनके एग्जाम ऑनलाइन करा दिए गए थे, और जो हरियाणा एंड दिल्ली के स्टूडेंट्स थे उनके एग्जाम ऑफलाइन हुए थे. तो यहाँ पर एमडीयू ने एक डिसीजन लिया है कि सभी स्टूडेंट्स के जो एग्जाम होंगे वो होंगे फिजिकल मोड में, यानी कि आपके एग्जाम होंगे ऑफलाइन, ठीक है. सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑफलाइन होंगे, या तो वो हरियाणा दिल्ली के स्टूडेंट्स हो या वो अदर किसी स्टेट के स्टूडेंट्स हो. यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की भी बात की गई है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है. तो क्वेश्चन ऑफ जो आपका पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन पेपर का, पहले क्या था कि एनी फाइव क्वेश्चंस आपको दे दिए गए थे, लेकिन उसमें एक छूट भी दी गई थी कि ऑनलाइन पेपर आपका होगा. लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आपके पेपर ओनली फिजिकल मोड में होंगे, ऑफलाइन आपके पेपर होंगे. तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है वो आपका वही रहेगा पुराने वाला, जिसमें यूनिट वाइज वन क्वेश्चन आपको करना होता है. देखिए, फाइव यूनिट्स, फोर यूनिट्स तो आपकी होती हैं, फाइव क्वेश्चन आपको कंप्लीट पेपर में करने होते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो आपका होता है कंपलसरी, वन क्वेश्चन आपका होता है कंपलसरी. लेकिन जो फोर यूनिट होती हैं उसमें से आपको एनी वन क्वेश्चन आपको करना होता है. टू क्वेश्चन गिवन होते हैं, उसमें से वन क्वेश्चन आपको करना होता है. तो वही पैटर्न आपको यहाँ पर मिलने को, देखने को मिल सकता है आप जो आपके एग्जाम होंगे, ठीक है. तो यही है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें. कोई एनी फाइव क्वेश्चंस का नहीं आपको एनी फाइव क्वेश्चंस करने को दिए जाएंगे एग्जाम में. यूनिट वाइज वन क्वेश्चन आपको करना होगा, और जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो आपको करना ही होगा, वो कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है. तो यही दो नोटिफिकेशन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट के जो नोटिफिकेशन आएगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आपको बताती रहूंगी. अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है. थैंक यू.